लश्कर ने तैयार किया हमास सपोर्ट प्लान। पीओके में आईएसआई की मदद से यह लश्कर का प्लान तैयार हुआ है। पीओके में आतंकी कैंप से हमास को मदद दी जा सकती है। फाड़ दिया कलेजा, 10 फीट की दूरी से क्षण। गाजा युद्ध के दूसरे चरण में चल रहे ऑपरेशन ऑल आउट में जंग बहुत ज्यादा खूनी हो चुकी है। ताजा दावों के मुताबिक गाजा पट्टी वेस्ट बैंक में हमास लड़ाके इजरायली सेना पर टूट पड़े हैं, लेकिन हमास के इस आत्मघाती हमलों के चक्कर में उनके टॉप कमांडर और बेहतरीन लड़ाके मारे जा रहे हैं। इधर इजरायल की एयरफोर्स आसमान से पिछले 72 घंटे में 150 फाइटर जेट से 5000 हमले कर चुकी है, जबकि जमीन और समंदर से इजरायल की स्पेशल फोर्स ने हमास के 600 ठिकानों पर पिछले 24 घंटे में हमला किया है। हालात ये हो गए हैं कि उत्तरी गाजा 40% से ज्यादा तबाह हो चुका है, जबकि वेस्ट बैंक में इजरायली हमले से हमास में हाहाकार मच चुका है। मिडल ईस्ट की मीडिया के मुताबिक उत्तरी गाजा के कई इलाकों में हमास के लड़ाके और इजरायली सेना के बीच सिर्फ 10 फीट की दूरी से जंग हो रही है। इस जंग में जमकर गोलियां, रॉकेट और गोले दागे जा रहे हैं। कलेजा फाड़ इस जंग में पिछले 24 घंटे में हमास के 370 लड़ाके मारे जाने के दावे इजरायल की आईडीएफ कर रही है। हम आपको पूरी डिटेल बताने जा रहे हैं कि गाजा पट्टी में कहां कहां हमास के लड़ाकों को भारी नुकसान हुआ है और किन जगहों पर हमास के लड़ाकों ने अमेरिका और रूसी हथियारों से इजरायली सैनिकों पर हमला किया है। गाजा में टैंक युद्ध, हमास ने फोड़ दिए टैंक। पश्चिमी और मिडल ईस्ट की मीडिया के कुछ दावों के मुताबिक हमास के लड़ाकों ने इस बार सुरंग में वाकई में भयानक खून खराबे की तैयारी कर रखी है। दावा किया गया है कि सुरंग में मौजूद हमास के उन्हीं स्पेशल लड़ाकों को भेजा गया है जो ये मान चुके हैं कि वो अब कभी जिंदा सुरंग से बाहर नहीं आएंगे। यानी हमास के ऐसे लड़ाके इस वक्त इजरायली सेना पर सुरंगों से हमला कर रहे हैं जो अपनी जान की रत्ती भर परवाह नहीं कर रहे हैं, जबकि जमीन के ऊपर मौजूद इजरायल की आईडीएफ के सैनिक खुद की जान बचाते हुए हमास के एक एक लड़ाके और कमांडरों की जानें लेने पर तुले हैं। कुछ खबरों में तो दावा किया गया है कि अमेरिका और रूस में बने हथियार हमास लड़ाकों के पास हैं, जो इजरायली सेना के लिए साक्षात मौत साबित हो रहे हैं। हमास के टॉप कमांडरों ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि पुतिन का रूस हमास का सबसे अच्छा हमदर्द और दोस्त है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने 28 अक्टूबर को ही दावा कर दिया है कि उसकी अल कसम ब्रिगेड ने इजरायली टैंकों को तबाह करके रख दिया है। हमास का दावा है कि वो अब तक जमीनी हमला करने आए इजरायल के 2 टैंकों को तबाह कर चुका है। और इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायल के हमले में हमास के 4 बड़े नेता मारे गए। आईडीएफ का पिछले कुछ घंटे में बड़ी कार्रवाई का दावा, हमास के अहम ठिकानों को भी तबाह करने का दावा। हमास के नेवल फोर्स के कमांडर जमील बाबा की मौत हो चुकी है। एंटी टैंक बटालियन का कमांडर सफादी भी मारा गया।
आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं, धुएं का गुब्बार आपको नजर आएगा। हम उस मौके पर बिल्कुल नहीं, लेकिन दूरी से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार इजराइल जो दक्षिणी लेबनान के सरहदी इलाके हैं उन पर हमला कर रहा है, अब तक का सबसे बड़ा हमला हम कह सकते हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से हम इस इलाकों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमको इतना बड़ा हमला अभी तक नहीं दिखा है। हम तस्वीर आप देखिए, भूमध्य सागर के ऊपर धुएं का गुब्बार आप देख सकते हैं। इसराइल समझ चुका है कि उसके हमलों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसकी बड़ी वजह भूमध्य सागर में खड़े अमेरिका के दो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हैं, यानी दो एयरक्राफ्ट कैरियर और उनके साथ कई डिस्ट्रॉयर वाले दो बड़े जंगी बेड़े। समंदर में ऐसी ताकत दिखाकर अमेरिका बताना चाहता है कि वो इसराइल की मदद के लिए 24 घंटे तैयार है। यही भरोसा है जिसकी वजह से गाजा में इसराइल की बमबारी बिना किसी रोक टोक के जारी है। इस बमबारी की शुरुआत 7 अक्टूबर के बाद से हुई, क्योंकि पहले हमास ने इसराइल में 1400 लोगों को मारा और अब इसराइल ले रहा है बहुत ही खौफनाक बदला। अक्टूबर में ही पश्चिम एशिया का यह हिस्सा 11,000 मौतों का गवाह बना था। 11,000 मौत बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, लेकिन अब डर ज्यादा है। हमले लेबनन की दहलीज से आगे बढ़ चुके हैं। इसराइल ने लेबनन बॉर्डर पर हमले तेज कर दिए हैं और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, हिजबुल्ला के कई हमलों ने इसराइल की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी है। हिजबुल्ला एक के बाद एक कई मिसाइल फायर कर रहा है। एंटी टैंक मिसाइल से उसने इसराइल के कई अड्डे बहुत ही सटीक हमलों में उड़ा दिए। पहला हमला टावर उड़ गया, दूसरा हमला रेडार तबाह हो गया, तीसरा हमला एक और अड्डा तहस नहस हो गया। ये जगह है लेबनन और इसराइल के बॉर्डर पर शीबा फार्म्स का इलाका, दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर्स में से एक, और यहाँ बने हैं इसराइल के 5 बहुत ही खतरनाक अड्डे। अड्डा नंबर 1, अड्डा नंबर 2, अड्डा नंबर 3, अड्डा नंबर 4, अड्डा नंबर 5। ये जगह गोलान की पहाड़ियों के उत्तर में है और यहाँ पहाड़ों की ऊंचाई 1500 मीटर तक है। नीचे लेबनन का इलाका है और यहीं से अटैक लॉन्च किया गया। इस ग्राफिक से समझ सकते हैं कि इस इलाके की टोपोग्राफी, कौन कहाँ मौजूद है, कौन सा इलाका किसके पास है। सबसे पहले इसराइल का अड्डा नंबर 1 शतुला इलाके में बने इस अड्डे पर हिजबुल्ला ने किया पहला हमला। इसराइल का अड्डा नंबर 1 हिजबुल्ला का पहला टारगेट। हिजबुल्ला ने कॉर्नेट मिसाइल से अटैक किया जो सीधे जाकर इसराइल का एक टावर उड़ा देती है। हिजबुल्ला की ये रेंज देखकर इसराइल के कैंप में खलबली सी मच गई है, क्योंकि निशाना भी बिल्कुल सटीक लगा और टावर पूरी तरह तबाह हो गया। इसके बाद टारगेट बना इसराइल का अड्डा नंबर 2, ये भी शतुला इलाके में है और यहाँ हिजबुल्ला ने किया दूसरा हमला। अड्डा नंबर 2 हिजबुल्ला का दूसरा टारगेट। इस बार हिजबुल्ला ने BGM-71 TOW एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल किया। अमेरिका में बनी यह मिसाइल इतनी सटीक है कि इसने ठीक रेडार स्टेशन को तबाह कर दिया। ऐसा निशाना देखकर कोई भी दुश्मन डर जाएगा। इसके बाद टारगेट बना इसराइल का अड्डा नंबर 3, ये भी शतुला इलाके के करीब है और यहाँ हिजबुल्ला ने किया तीसरा हमला। अड्डा नंबर 3 हिजबुल्ला का तीसरा अटैक। इस बार हिजबुल्ला ने कॉन्कर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर की। रूस की ये वायर गाइडेड मिसाइल भी इसराइल के एक ठिकाने को खत्म कर देती है। इसके बाद चौथे और पांचवें अड्डे पर भी हिजबुल्ला अपनी बाकी मिसाइलों और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से हमला करता है और उनका भी वही हश्र होता है जो बाकी अड्डों का हुआ है। हिजबुल्ला का दावा है कि इन हमलों में इसराइल को भारी नुकसान हुआ है और उसके कई सैनिक भी मारे गए हैं। हिजबुल्ला के ऐसे ही हमलों के बाद इसराइल चुन चुन कर बदला ले रहा है। वो अब हिजबुल्ला को कोई मौका नहीं देना चाहते। इसराइल लेबनान सीमा के यारीन इलाके में हमारी मौजूदगी है। किस तरह से जो लेबनान के सरहदी गांव हैं वहां पर तबाही के निशान है वो देख सकते हैं। ये एक इमारत है जिसको निशाना बनाया गया है, यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा, देखिए, सिवाय एक बिल्ली के। बिल्ली यहाँ पर नजर आ रही है और देखिए, हाल ही में इस पर अटैक किया गया है, रॉकेट से इस पर अटैक किया गया है। रॉकेट के निशान भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप तस्वीर देखिए किस तरह से इस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है।
इजराइल के जवाबी हमलों को देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि इजराइल अब पीछे हटेगा, उसके रास्ते में जो आएगा इजराइल अब उसे मिटाना चाहता है, फिर चाहे वो हिजबुल्ला हो, सीरिया हो या फिर ईरान।